हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने आपका जो है फिजिक्स का चैप्टर वन और बायोलॉजी का चैप्टर वन हमने कंप्लीट करा दिया है। आप जाकर नीचे लिंक पर क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। और अब हम आ चुके हैं केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 2 लेकर के, उसके पूरे इम्पोर्टेंट प्रश्न और पूरे पाठ के निचोड़ निचाड़ के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आ चुके हैं, जो आपको वार्षिक परीक्षा में आते ही हैं। यही प्रश्न आते हैं आपको वार्षिक परीक्षा में, चाहे आपका कोई भी पेपर हो, चाहे आपका त्रिमासिक, अर्धवार्षिक या फिर वार्षिक ही क्यों ना हो, सभी पेपर में यही प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। आप चिंता मत करना। तो यहाँ से अपने वीडियो यहीं से स्टार्ट करती हैं। और अगर पहले ही बता देता हूँ, वीडियो को ज़रूर प्लीज़ 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 को शेयर कर देना, क्योंकि सभी को ज्ञान फैला देना, शेयर कर देना। चाहे लाइक नहीं मांग रहा हूँ मैं, ना ही सब्सक्राइब, ओनली शेयर, ताकि सभी को हमारी वीडियो पहुंच सके, ताकि हमारी मेहनत बर्बाद ना हो, सभी को यह वीडियो मिल सके। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से निवेदन इतना ही है कि सिर्फ ओनली शेयर कर देना, चाहे लाइक मत करना, ठीक है, शेयर कर देना वीडियो को, ताकि सभी लोगों को पहुंच सके। आपके जो भी फ्रेंड वगैरह हो, उन सभी को शेयर कर देना। और यदि कोई भी आर्ट वाला स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो वो अपने साइंस वाले स्टूडेंट को शेयर कर देना। ओके दोस्तों, अब हम चलिए वीडियो को शुरू कर देते करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है पहला, समपराश्री विलयन किसे कहते हैं? समपराश्री विलयन क्या कहलाता है? देखिए, अध्याय का नाम क्या है? विलयन। तो अब विलयन ही विलयन होंगे इसमें, इसलिए समपराश्री विलयन और भी विलयन होंगे। यहाँ पर अध्याय 2 है अपना विलयन, और ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ से आप देख सकते हैं सभी का, हमने यहाँ पर सभी का सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया है विद सॉल्यूशन के साथ। इन सभी क्वेश्चन को आपको हम बताने जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। उसके बाद हमारा पहला प्रश्न है, समपराश्री विलयन किसे कहते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, समपराश्री विलयन जब दो विलयनों की सांद्रता का मान समान हो, तो दोनों विलयन के लिए परासरण दाब का मान भी बराबर होगा। अतः वे विलयन जिनके लिए समपराश्रण दाब का मान समान होता है, उन्हें समपराश्री विलयन कहते हैं। चलो दोस्तों, इसे आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ना है, एक बार समझना है, और आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरे नंबर प्रश्न आता है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम लिखिए दोस्तों, इसे जो आपको अच्छे से देखना है ध्यानपूर्वक। देखिए, हेनरी का नियम क्या बोलता है? हेनरी का नियम उदाहरण सहित देखिए। हेनरी का स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक में साम्यावस्था में हो। ठीक है दोस्तों, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक के साथ साम्यावस्था में होता है। दोस्तों, ये जो हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसका जो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा, यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान तथा साम्यदाब हो तो n बराबर kT हो जाएगा। यहाँ k एक स्थिरांक है, बस इतना ही लिखना है दोस्तों, और आपका जो है 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है अणुसंख्य गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। अणुसंख्य गुणधर्म को उदाहरण सहित समझाइए। अणुसंख्य गुणधर्म विलयन के ऐसे गुण जो उसके निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुण कहलाते हैं, तथा ये गुण विलेय की प्रकृति, संगठन या संरचना पर निर्भर नहीं करते हैं। और इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको कौए की तरह नजरें रखकर देखना है, बिल्कुल कौए की तरह ध्यान लगाकर, काकचेष्टपको ध्यानम, बिल्कुल पक्को बगुला की तरह आप ध्यान लगाकर देखिए, आपको बिल्कुल भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको क्वालिटी अगर वीडियो की अच्छी नहीं दिख रही, तो आप क्वालिटी वीडियो की बढ़ा सकते हैं, यहीं पर यूट्यूब पे सेटिंग हो जाती है दोस्तों। ओके दोस्तों, यूट्यूब पर सेटिंग आप करके आप बिल्कुल क्वालिटी बढ़ा सकते हैं वीडियो की। उसके बाद इसका उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण हो जाएगा विलयन का परासरण दाब, और सेकंड उदाहरण लिख सकते हैं बाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, और तीसरा उदाहरण है हिमांक में अवनमन, और चौथा उदाहरण है क्वथनांक में उन्यास। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4,
कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 4 है उसके आगे। यहाँ पर 14 प्रश्न है, प्राशन एवं प्राशन दाब क्या है परिभाषा लिखिए, प्राशन एवं प्राशन दाब क्या है परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्राशन वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ आद्र पारगम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं उसे प्राशन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिससे विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ आद्र पारगम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं उसे प्राशन कहते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे जो अपना आता है प्राशन दाब। अब प्राशन दाब क्या कहलाता है, वह अधिकतम दाब जो एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन घोल को उसके शुद्ध विलायक से पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होता है उसे अपन प्राशन दाब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, उसे अपन प्राशन दाब कहते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 राउल्ट का नियम। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये जो आपका 2 नंबर में पूछा जाता है ज्यादातर। तो राउल्ट का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित होने पर स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय के विलयन के ऊपर उपस्थित विलायक का दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ओके दोस्तों, आपको राउल्ट के नियम को लिखकर अपन फिर उससे पहले आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 6, निम्न को समझाइए, नॉर्मलता, फॉर्मलता और पार्ट्स पर मिलियन। तो सबसे पहले नॉर्मलता है, नॉर्मलिटी किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, इसे एन द्वारा दर्शाते हैं। उसके बाद है आपकी जो होता है नॉर्मलता का सूत्र, नॉर्मलता एन बराबर ग्राम प्रति लीटर विलयन में विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का ग्राम तुल्यांक द्रव्यमान। उसके बाद है फॉर्मलता, फॉर्मलता है दोस्तों, फॉर्मलता क्या कहलाती है, किसी विलयन के 1 लीटर से घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं तथा इसे एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे फॉर्मलता एफ बराबर विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलेय का लीटर में आयतन, विलेय का आयतन मतलब लीटर में। उसके बाद है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन क्या कहलाता है दोस्तों, एफ एफ पी पी एम, पार्ट्स पर मिलियन पी पी एम। यह इकाई तब उपयोग में लाई जाती है जब विलयन में विलेय का सांद्रण बहुत कम हो, अंश या भाग पार्ट्स भागन पार्ट्स आयतन अथवा द्रव्यमान के रूप में हो सकते हैं। उसके बाद इसका जो सूत्र होता है पी पी एम ए बराबर घटक ए का द्रव्यमान और बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, घटक ए का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो अपना अगला क्वेश्चन आता है धनात्मक विलयन एवं ऋणात्मक विलयन में अंतर। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, आप देख सकते हैं, और इसका जो हम उसका पूरा सोल्यूशन है आपके लिए लेकर के आए हैं, धनात्मक विलयन व ऋणात्मक विलयन में अंतर। तो धनात्मक विलयन हो जाएगा और एक तरफ हो जाएगा ऋणात्मक विलयन। तो धनात्मक विलयन और ऋणात्मक विलयन सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला अंतर क्या दिया हुआ है। जो पहला अंतर है अपना, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्पदाब अधिकतम होता है और यहाँ पर एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्पदाब निम्नतम होता है। चलिए दोस्तों उसके बाद दूसरा है अपना, इनका क्वथनांक निम्नतम होता है और इनका क्वथनांक उच्चतम होता है। तीसरा है दोस्तों, निम्न तापीय समक्वाथी विलयन बनता है और इसमें उच्च तापीय समक्वाथी विलयन बनता है। और इसके जो उदाहरण दोस्तों उदाहरण हो जाएगा फर्स्ट आ जाएगा H2O प्लस CHH C2H5OH। यहाँ पर इन दोनों के उदाहरण आप देख लेना दोस्तों, यहाँ पर जल प्लस HNO3 आप देख सकते हैं पूरे। ओके दोस्तों, तो अपने टॉप 7 प्रश्न सभी प्रश्न आपके अपने तैयार होते हैं, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचाएँ। और अब मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।